हेलो फ्रेंड्स, सो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली एक नया नंबर सिस्टम। मेजर थ्योरी में चाहे आप मेजरेबल फंक्शन की बात बोलें या फिर इवन मेजर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आउटर मेजर डिस्कस करेंगे, तो जितने भी ये फंक्शंस डिस्कस करेंगे आप ना, तो वो सब एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम पे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है आपको कि ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम क्या होता है। सो फ्रेंड्स, रियल नंबर सिस्टम आपने सीखा है जिसका नोटेशन क्या था, आर। ये नोटेशन रियल नंबर्स का था आर। मैं ये नोटेशन यूज करता था आर। ये होता क्या है, इंटरवल फॉर्म में अगर आपको मैं बोलूं तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या होता था फ्रेंड्स, वो इसमें सारे रियल नंबर्स ना फाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ रियल नंबर्स, तो प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी रियल नंबर्स नहीं होते थे। दैट मींस क्या फ्रेंड्स, ये माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी, ये माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी, ये दोनों रियल नंबर्स नहीं होते, ये दोनों रियल नंबर्स नहीं होते, इन दोनों को छोड़ देते, ठीक है। अब एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, ये जो दो नंबर्स को आप छोड़ रहे हैं ना, प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी, ठीक है, इनको अगर मैं इंक्लूड करूं, कॉमन सेंस में क्या होता है, रियल मतलब वास्तविक। तो फ्रेंड्स, ये प्लस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी क्या होता है, ये ऐसे नंबर हम एज्यूम करते हैं ना जहां पे हमारा इमेजिनेशन खत्म हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर हिंदी की बात करें, अगर आप समझते हैं, अनंत, मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। यही ना फ्रेंड्स, जैसे समुद्र के किनारे एक साइड आप खड़े हो जाइए, अगले दूसरे साइड देखने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि वो दिखेगा ही नहीं, उस साइड का लैंड आपको दिखेगा ही नहीं। एक ऐसा सिचुएशन आता है जब आप देखते हैं, इस पार खड़े हो जाइए किसी समुद्र के किनारे पे, दूसरे किनारे को देखने की कोशिश करेंगे आप, तो ऐसा लगता है कि स्काई, आसमान जो है ना, उस पानी में मिलते जा रहा। दैट मींस क्या हुआ कि अब उसके आगे हम इमेजिन नहीं कर सकते, वो पॉइंट्स जहां पे हमें आसमान और पानी एक मिलते हुए दिखते हैं, अब उसके बाद हम इमेजिन नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता था, ये अनंत, इंफिनिटी, ये इनफैक्ट कोई नंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स में ऐसा जरूरत पड़ा कि हमें इनको इंक्लूड करने की जरूरत पड़ी। तो जब जरूरत पड़ी तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बस इतना याद रखिए, इस रियल नंबर में ये जो दो नंबर्स थे ना, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, इनको मैं इंक्लूड कर लूंगा, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए अब मैं डिफाइन करता हूँ। सो डेफिनेशन जो होगा, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो ये होता क्या है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स आपको दिखना चाहिए ये, हाँ ठीक है। तो यहां पे जो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम होगा फ्रेंड्स, उसका नोटेशन हम लोग ये आर रहेगा, उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, ठीक है, ये हम नोटेशन यूज करेंगे। अगर आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं, वहां पे कोई और नोटेशन यूज करता है, तो वहां पे आप समझ जाइए, वो लिखेगा कि इसको जो है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के लिए हम यूज करें। तो आर स्टार को हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम को के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, मैं अभी आपको बताया, आर रियल नंबर्स, इसमें मैंने क्या कर दिया, यूनियन ले लिया ये दो एलिमेंट्स, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, मतलब इन दोनों को इसमें आर में इंक्लूड कर दिया। तो जो रियल नंबर जो आगे नया सिस्टम बनेगा ना, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो यही होता है फ्रेंड्स, आर स्टार रियल नंबर्स में ये दो नंबर्स हमने क्या किया, इंक्लूड कर दिया। अब इसी को मैं बोलूं तो आपको लिखना ऐसा बुक में नहीं दिखेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोला हूं, ये क्लोज इंटरवल माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, आपको एक्सप्लेन करने के लिए,
ये रियल नंबर क्या था, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी इसमें इंक्लूड कर ले रहे हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आप इमेजिन कर सकते हैं, लिखते ऐसे, ठीक है ना। हमेशा यही नोटेशन आप देखेंगे, मतलब डिफिनेशन यही होता है। तो अब फ्रेंड्स, जब हमने प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी इंक्लूड कर दिया रियल नंबर्स में, तो ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम बन गया। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस होंगे, बेसिकली दो ऑपरेशंस की मैं बात करूंगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होते हैं, अब तक जो हम लोग करते आए रियल नंबर्स में, ठीक है, तो कुछ सारी चीजें वैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ जो चीजें थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, वो चीजें क्या होंगी वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पे क्या है, पहले एडिशन। सो एडिशन, एडिशन इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, मतलब आप ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, कोई भी दो नंबर्स मैं लूंगा इस आर स्टार का। तो फ्रेंड्स, ये आर स्टार है क्या, पूरे पूरे रियल नंबर्स दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ गए ना, तो यही दो एलिमेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब यही दो एलिमेंट्स की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होता है रियल नंबर में। जो कैलकुलेशन प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को लेके वैलिड नहीं हुआ करता था, अब वो यहाँ पे वैलिड होगा। तो वो क्या क्या होगा, सबसे पहले मैं कोई भी रियल नंबर, सबसे पहले एडिशन का क्या तरीका होगा, एक्स में कोई भी रियल नंबर लेता हूँ, उसमें अगर मैं ऐड करता हूँ प्लस इंफिनिटी, या प्लस इंफिनिटी में कोई भी रियल नंबर ऐड करूंगा, आएगा मेरा क्या, प्लस इंफिनिटी फॉर यूनिक एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर मतलब इस वाले मैं एक्स लेता हूँ, इंफिनिटी ऐड करूं, ठीक है ना, तो आएगा क्या, इंफिनिटी। फॉर एग्जांपल अगर 2 को ऐड कर दीजिए इंफिनिटी में, इस एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में ये डिफाइंड होता है, आता क्या है, इंफिनिटी। इवन आप -2 ऐड करिए प्लस इंफिनिटी में, तब भी क्या आएगा, प्लस इंफिनिटी। ये देखिए मैंने लिखा है, कोई भी रियल नंबर लेंगे इंफिनिटी में ऐड करेंगे, आएगा इंफिनिटी। उसी तरीके से सेकंड क्या होगा, मैं कोई भी रियल नंबर को ऐड करूं अगर माइनस इंफिनिटी में, समझा पा रहा हूं फ्रेंड्स, माइनस इंफिनिटी में अगर मैं ऐड करूं तो आएगा क्या, माइनस इंफिनिटी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सेम वही एग्जांपल, 2 को अगर मैं ऐड करूं माइनस इंफिनिटी में, आता क्या है, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। और उसी तरीके से मैं -2 को भी ऐड करूंगा माइनस इंफिनिटी में, आता क्या है, अगेन माइनस इंफिनिटी। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल हम जानते हैं कैसे फ्रेंड्स, अगर आपको वही मैं बता रहा था, समुद्र, समुद्र में से, समुद्र में अगर 2 बाल्टी पानी अगर आप डाल देंगे तो क्या उसका लेवल बढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स वो तो खुद अनंत है ना, तो उसमें 2 बाल्टी पानी डाल देंगे तो फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका लेवल वही रहेगा। या समुद्र में से 2 बाल्टी पानी निकाल लेंगे तब भी उसके लेवल में फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीसरा जो है और इम्पोर्टेंट ये है, ये तीसरा जो है और इम्पोर्टेंट ये है कि इन्फिनिटी में मैं इन्फिनिटी को ऐड करूंगा, ये नॉर्मल रियल नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं इनडिटर्मिनेट आता था फ्रेंड्स में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये डिफाइंड है और होता क्या है, ये इन्फिनिटी। उसी तरीके से फोर्थ, माइनस इन्फिनिटी में मैं माइनस इन्फिनिटी ऐड करूंगा ना, तो आता क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, बस एक प्रिकॉशन यहां पे आपको लेना है, रियल नंबर सिस्टम में अगर मैं बोलता था 2 को 2 में -2 ऐड करिए तो आप क्या बोलते थे, 0 आएगा। तो ये लॉजिक यहां पे फेल होता है इन्फिनिटी के केस में, मतलब मैं इन्फिनिटी में अगर माइनस इंफिनिटी ऐड करूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये 0 होगा, यही पे यही एक जो ऑपरेशन है एडिशन में, ये अनडिफाइंड है फ्रेंड्स। यहां पे नॉर्मल ये वाला जो एडिशन था 2 में -2 ऐड कर दिए 0, वो नहीं लगता, ये 0 कभी नहीं होगा, तो ये यहां पे अनडिफाइंड है, बस इतना याद रखिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं,
कॉन्सेप्ट करके लिख देता हूँ, जहाँ तक दिख रहा होगा आपको बिल्कुल दिख रहा ठीक है। सो कॉन्सेप्ट मैं करके लिखता हूँ, मैं इंफिनिटी में माइनस इंफिनिटी ऐड कर दूँ, ठीक है ना, या माइनस इंफिनिटी में प्लस इंफिनिटी ऐड कर दूँ, ये जो है इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड इन आर स्टार। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में यही जो ऑपरेशन है ना, ये यही डिफाइन नहीं होता, और नॉर्मल रियल नंबर सिस्टम में इसको हम लोग क्या बोलते थे, जीरो आ जाएगा। सो बस इस चीज को ध्यान दीजिए कि ये दो चीजें नहीं डिफाइंड है, बाकी सब कुछ डिफाइंड है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, मल्टीप्लीकेशन में हर चीज डिफाइंड है, मल्टीप्लीकेशन में हर चीज डिफाइंड है। कैसे, चलिए मैं बता देता हूं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में क्या होता है, मैं कोई भी फर्स्ट यहां पे करता हूं फॉर एक्स पॉजिटिव, अगर मैं एक्स पॉजिटिव लेता हूं, एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्लस इंफिनिटी क्या आएगा, प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस इंफिनिटी क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। ये चीजें आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये ऑपरेशन हो गया। अब उसी तरीके से अगर आप x को नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना, x मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, और x मल्टीप्लाइड बाय माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी। फॉर एग्जांपल माइनस टू, माइनस टू से इंफिनिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंफिनिटी, माइनस टू से माइनस इंफिनिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए, मैं किसी भी रियल नंबर जो पॉजिटिव या निगेटिव होगा, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट ये आता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स थर्ड, थर्ड जो होगा, मैं अगर प्लस इंफिनिटी को प्लस इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करूं, ये डिफाइंड है, प्लस इंफिनिटी आता है, माइनस इंफिनिटी को प्लस इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करें, माइनस इंफिनिटी आता है। तो ये चीजें, ये जो ऑपरेशंस थे, ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे सब डिफाइंड है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, इस चीज को याद रखिए, आपको मैं जब रियल नंबर में जीरो इंटू इंफिनिटी, इसको आप बोलते थे ना इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। इसको अगर हम जीरो को चाहे मैं प्लस इंफिनिटी में मल्टीप्लाई करूं, चाहे माइनस इंफिनिटी में मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, दोनों साइड से, तो ये रिजल्ट यहाँ पे आता है जीरो। ये यहाँ पे डिफाइंड इफेक्ट्स, जीरो का इंफिनिटी में मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर में इंडिटरमिनेट फॉर्म आता था, लिमिट निकालने में आपको याद होगा, लेकिन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में ये डिफाइंड है, और इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, जीरो। तो फ्रेंड्स इतनी ऑपरेशंस आई होप सफिशिएंट होंगे, ठीक है ना, ज्यादातर ये वाला मतलब एडिशन वाला हम यूज करते हैं। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, पूरे रियल नंबर सिस्टम में माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी ऐड कर दिया, मतलब इंक्लूड कर दिया, तो जो नया नंबर सिस्टम आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो आई होप फ्रेंड्स मैं ये एक्सप्लेन कर पाया, इसका यूज होगा। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्या मेजर, अब आप आ रहे हैं एक्चुअल मेजर थ्योरी पे, हम लोग मूव कर रहे हैं, मेजर क्या होगा, आउटर मेजर क्या होगा, इन सबको डिफाइन कर लेते हैं, तो फिर आगे हम लोग लीवे मेजर पे जाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स यहां तक मैं एक्सप्लेन कर पाया, प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें, फ्रेंड्स प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें।